नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सबसे बड़ी बहस का। आज की बहस का विषय होगा संघ का संदेश, हिंदू हो एक, क्यों बार बार एकजुटता को लेकर संदेश दिया जा रहा है, आखिर किस बात के लिए आगाह किया जा रहा है, हिंदुओं को किससे खतरा है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, देश की सियासत में इन दिनों दो शब्दों ने जोर पकड़ लिया है और वो दो शब्द हैं बटेंगे तो कटेंगे। इस शब्द को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू बटेगा तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वहीं अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को यही संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन हिंदुओं को एकजुट होकर रहने की बात जरूर कह दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदुओं को किन लोगों से खतरा है और क्यों बार बार हिंदुओं से एक होकर रहने की अपील की जा रही है। तो आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पाप के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। जिस देश की आबादी में 80% हिंदू और 20% मुसलमान हूं, उस देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के मुखिया को अगर ये कहना पड़े कि एकजुट होकर रहो, तो इसका मतलब है कि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। ताजा मामला संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ा है। नागपुर में दशहरा रैली के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने मंच से हिंदुओं से एकजुट होकर रहने की अपील कर डाली। मोहन भागवत ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की परंपरा दोहराई जा रही है, इसके पीछे कट्टरपंथी सोच है और इन कट्टरपंथियों का मुकाबला करना है तो हिंदुओं को संगठित और मजबूत होना होगा। उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है ये निमित्त पर्याप्त है, और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। मोहन भागवत ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू एकता को जरूरी बताया। भागवत का संदेश वही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक से बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हो सकता है इसकी एक वजह चुनाव हो, लेकिन 80% हिंदू जनसंख्या वाले देश में हिंदुओं से बार बार एकजुटता की अपील करना, इसके पीछे सिर्फ चुनाव ही वजह तो नहीं हो सकती। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदुओं को किससे खतरा है, वो कौन लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का काम कौन कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप की ये लड़ाई नई नहीं है, ये लड़ाई तो सालों से चली आ रही है, लेकिन आजकल की सियासत को देखकर लगता है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
योगी टू भागवत एकता चाहते हैं। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन हमारे साथ है। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, की नेता के कांग्रेस नेता हैं। तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बटोगे तो महफिलें सजाई जाएंगी, और अब हिंदुओं के संगठन के सबसे बड़े प्रमुख कह रहे हैं बटना नहीं है, अपनी एकता को पहचानिए, आप बट गए तो फिर नुकसान होगा। ऐसे में क्यों बार बार हिंदुओं को आगाह किया जा रहा है, किससे खतरा है हिंदुओं को? देखिए प्रियंका जी, भागवत व्यक्तित्व ही भारत का नेतृत्व कर सकता है, और जब जब ऐतिहासिक तथ्य है कि जब जब जहां जहां हिंदू घटा है तब तब तहां तहां देश बटा है, यह इतिहास का हिस्सा है। हमने कैसी कैसी प्रताड़ना झेली है, मातृभूमि के कितने टुकड़े हुए हैं, इतिहास चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहा। हिंदू समाज की दुर्बलता एक अपराध है, हीन हिंदू एक हाहाकार है, हिंदुत्व की दीनता इस समाज की राष्ट्र को दिव्यता नहीं दे सकती। पूरी दुनिया जहां बारूद के ढेर पर खड़ी है, जिंदगी धुआं धुआं है, चारों तरफ करुण आर्तनाद प्रतिध्वनि हो रही, इस स्थिति में असंगठित होने को राष्ट्र को फिर से दास्ता की तरफ धकेलेगा। सदियों बाद यह समाज अपने अस्मिता को लेकर सजग हुआ है। हाजी नाजिम जी, अपनी बारी का इंतजार करिए, इस डिबेट को बांटने का काम मत करिए, सुनिए पहले, अपनी बारी का इंतजार करिए ना, सबके पास आऊंगी। बोलिए धनंजय गिरी जी। देखिए, हिंदू समाज की अलग, जो हमसे जो प्रदेश अलग हुए, जो हमसे अलग होकर देश बना, वो धर्म के नाम पर बटा, और वहां कैसा अधार्मिक कृत्य हो रहा है, कुकृत्य हो रहा है, 30% 20% 20% चाहे 8%, और किस तरह से जब जब 9 प्रदेशों में 9 राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अब हथियारों के जखीरा पूरी दुनिया में जमा हो रहे हैं। और एक तरफ देखिए, इस देश में, इस प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल तैमूरों ने तलवार को किनारे रख दिया है, क्योंकि इस देश में राजनीतिक दल ही तैयार है उनकी मदद करने के लिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरफ को जोड़ो, हिजबुल्ला से जोड़ो, हमास से जोड़ो, कहां कहां तक जोड़ो। हिजबुल्ला हमास से जोड़ने का मतलब ही नहीं है, ये वो संगठन है जिसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। मैं आपके पास आना चाहूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी, ये बताइए कि बीजेपी के जो नेता बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, एकता का संदेश दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि बटना नहीं है, बट गए तो दिक्कत हो जाएगी, उत्पात मचेगा, आखिर किससे खतरा है हिंदुओं को, क्यों कह रहे हैं बीजेपी के नेता ऐसा? चंद्रमोहन शर्मा जी बताएंगे कि वो ये किसके लिए कह रहे हैं, कि किससे बटेंगे नहीं और किससे कटेंगे। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पष्टता के साथ कहना चाहते कि देश में बांटने वाला कौन है और देश में काटने वाला कौन है।